और दोस्तों ये मेरा टेबल है, यहाँ आप देख सकते हो, और यहाँ मेरा रिंग लाइट है, ये मेरा लैपटॉप है, और सब कुछ देखिए, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग जो बोर्ड है यहाँ आप देख सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को जरूर पता होगा कि मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिस चैनल से मेरा ऑलरेडी अर्निंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, खास करके आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि आखिर एक चैनल से कैसे अर्निंग करना है। दोस्तों देखिए, गरीबों के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की ज़िंदगी है। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, यूट्यूब पर मेहनत करते हो, तो भाई मतलब आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप यूट्यूब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोग पहले से गरीब हैं। जो गरीब लोग हैं, सिर्फ मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि पहले से आप लोग गरीब हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में, आपके नसीब में और कुछ नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं जहाँ से वीडियो शूट करता हूँ, जहाँ पर मैं बिलोंग करता हूँ, देखिए मतलब जंगल और जंगल सारा कुछ आज आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। और मैं मतलब कहाँ वीडियो शूट करता हूँ, कितना मतलब मैं मेहनत करता हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए, और इतना मेहनत करके मेरा एक चैनल मोनेटाइजेशन किया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत मोटिवेट मिलेगा कि आखिर मैंने कितना मेहनत करके मेरा चैनल जो है ग्रो किया है। दोस्तों मैं कैमरा जो फ़ोन है, फ़ोन की बैक कैमरा मैं ऑन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि जंगल और जंगल है, और जंगल के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं चारों तरफ देखिए कैमरा जो है मैं घुमा के आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए कि जंगल और जंगल है। तो दोस्तों इसी के बीच में मैंने क्या किया कि मेरा एक चैनल ऑलरेडी मैंने ग्रो कर लिया है। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों देखिए, मैं सिर्फ यूट्यूब पर काम नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा अदर बहुत ऐसे काम है जिस काम से मेरा जो फैमिली है वो भी चलता है। दोस्तों ये यहाँ एक पेड़ आप देख सकते हो, और नीचे देखिए कुछ ऐसे चीज़ है जैसे कि इसको कहा जाता है रबर, तो ये रबर के काम मैं करता हूँ। और दोस्तों दिन में और रात में थोड़ा बहुत काम निकाल के मैं क्या करता हूँ कि वीडियो शूट करता हूँ। तो दोस्तों इतना तो मेहनत करके मैं एक चैनल जो है ग्रो किया है, उस चैनल से अच्छा खासा अर्निंग नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा है। तो दोस्तों मैं कैसे वीडियो शूट करता हूँ और सारा कुछ आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप मैं चारों तरफ मतलब मेरा जो कैमरा है मैं घुमाता हूँ, आप रोड वगैरह, टाउन, मार्केट कुछ भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे जंगल के अंदर मेरा घर है, और जहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। भाई मुझे इतना तो लगता है कि मेरे जैसी दुनिया में और क्रिएटर है ही नहीं, क्योंकि मैं इतना जंगल से वीडियो शूट करता हूं। आप ज़रा देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों यहां देखिए सूरज जो है निकलने वाला है, तो यहां आप देख सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहां देखिए जंगल और जंगल है, बाकी जंगल के अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो कैमरा है, मैं कैमरा वापस किया है, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो दोस्तों मेरा घर कैसा है, ये सारी चीज़ आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले कि मैं इतना जंगल से। देखिए एक चीज़ मैं और बताना भूल गया है दोस्तों, देखिए मतलब यूट्यूब पर काम करने के लिए टावर की बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि नेटवर्क की बहुत ज़रूरी होता है, कारण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन मेरा पास ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों लगभग दोस्तों मतलब 7 से 8 महीना हुआ है इस जंगल पर, मैंने करंट जो है काफ़ी पैसा खर्च करके इस जंगल पर मैं करंट लेके आया हूँ। जो इलेक्ट्रिक जो मतलब जो कुटी है मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए कि ये जो कुटी है यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए ये जो कुटी है, तो इसमें मतलब कितना जंगल है। दोस्तों आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि एलिफेंट यानी कि जो हाथी है, हाथी की मदद से मैंने ये कुटी लेकर आया है मेरा घर पर, और आज मेरा घर पर इलेक्ट्रिक है, लेकिन पहले मैं सलार की मदद से मैं वीडियो शूट करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। दोस्तों मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों आप लोग शायद ये सवाल करते होंगे कि भाई ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इतना मतलब मुश्किल से आसान किया है, यानी कि मेरा एक चैनल मैंने ग्रो कर पाया है, तो आप लोग क्यों ना कर सकते हो। दोस्तों देखिए, अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, तो भाई आपको यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं है, आप जितना काम करो चाहो, दिन भर आप काम करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल जो फ्यूचर में जो कभी अच्छा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मैं ये बैक कैमरा जो है मैं ओपन करके मेरा गौर आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो। दोस्तों ये जो है दोस्तों यहाँ देखिए एक चार है जहाँ पर मैं बैठ के वीडियो शूट करता था कुछ दिन पहले, तो अभी मैं एक छोटा सा
जो है स्टूडियो बनाया है। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए मेरा घर है और देखिए मैं चारों तरफ कैमरा घुमाता हूँ। तो यहाँ देखिए जंगल के अलावा और कुछ नहीं है, जंगल और जंगल यहाँ देख लीजिए आप। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। और दोस्तों ये मेरा घर है, आप देख सकते हैं पूरा जंगल के बीच में मेरा घर है। और बाकी जो आधार जो है दोस्तों, यहाँ रोड वगैरह कुछ भी आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मतलब सुपारी का जो पेड़ है यहाँ देखिए, और यहाँ पर जो केला है, केला की पेड़ आप देख सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप भी ज़रा डिसाइड कीजिए कि इतना मेहनत करके मैं इस लोकेशन पर रह कर मेरा जो चैनल है मैंने ग्रो कर पाया है। और अगर आप भी मेहनत करते हो ना तो डेफिनेटली आप YouTube से पैसा कमा सकते हो भाई, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ देखिए कुछ भी नहीं देख सकते हो क्योंकि जंगल और जंगल है। तो दोस्तों मैं इतना मेहनत करके मतलब दोस्तों मैं पहले जहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ अभी उस लोकेशन पर मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई मैंने कितना मेहनत करके वीडियो शूट करता था और YouTube पर अपलोड करता था, आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ बैक कैमरा जो है मैं ऑन करता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों ये जो लोकेशन है जहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ दोस्तों मैं मतलब जो बाम्बू है, बाम्बू की जो दो कोटा था और उसमें जो ग्रीन कलर की जो कपड़ा होता है ना बैकग्राउंड रिमूव करने का, उसी चीज़ यहाँ पर मैं मतलब बांध के मैं वीडियो शूट करता था। और यहाँ देखिए मेरा जो कारण का जो कुटी है यहाँ आप देख लीजिए, और इसी जंगल के बीच में आया था। तो मैं हाथी की और एलिफेंट की मदद से मैंने ये कुटी यहाँ तक लेकर आया है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहूँगा, फिर से मैं आप लोग को दोहराना चाहूँगा कि भाई आप लोग YouTube पर मेहनत करते रहिए और एक दिन आप ज़रूर YouTube से आप पैसा कमा पाओगे। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत मतलब सांस भी नहीं निकल रहा है, इतना मतलब पूरा मैं ताक गया हूँ। क्योंकि दोस्तों यार जो हिल्स एरिया है, लेकिन दोस्तों मेरा आसपास कोई दुकान, कोई मार्केट, कोई रोड वगैरह नहीं है। लगभग दोस्तों रोड और मार्केट जाने के लिए मुझे 10 किलोमीटर जाना पड़ता है यहीं से, उसके बाद दोस्तों दुकान या मार्केट वगैरह मिलता है। और बाकी दोस्तों मेरा आसपास कुछ भी नहीं है। मैं ज़रा एक बार बैक कैमरा फिर से ओपन करता हूँ, यहाँ दोस्तों देख लीजिए कि जंगल और जंगल है। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों मेरा जो स्टूडियो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मैं किस स्टूडियो से वीडियो शूट करता हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों मेरा जो स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर मैं आ चुका हूँ और मेरा स्टूडियो मैंने कैसे बनाया है सारा कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए जो ये मिट्टी का वॉल है और मेरा घर की मिट्टी का वॉल है, और इस वॉल पर मैंने ये जो वॉलपेपर है मैंने चिपकाया है। और बाकी जो आधार जो मतलब वॉल है यहाँ आप देख सकते हो मैंने बांस की मदद से मैंने बनाया है। और दोस्तों ये मेरा टेबल है, यहाँ आप देख सकते हो, और यहाँ मेरा रिंग लाइट है, ये मेरा लैपटॉप है, और सब कुछ देखिए ये जो मेरा इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग जो बोर्ड है यहाँ आप देख सकते हो। और बाकी दोस्तों इसमें मतलब मैं देखिए कि मैं यहाँ मतलब देखिए मैं इस तरह वीडियो शूट करता था, यहाँ मेरा कैमरा जो है देखिए मैं इस तरह वीडियो शूट करता हूँ यहीं से। तो दोस्तों लगभग मेरे पास 7 से 8 महीने हो चुका है मेरा पास इलेक्ट्रिक है, और इसी की मदद से मैंने ये छोटा सा घर बनाया है वीडियो शूट करने के लिए। तो मेरा जो स्टूडियो है कितना बड़ा है मैं बाहर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों मैं बैक कैमरा जो है फिर से मैं ओपन करता हूँ, और दोस्तों ये देखिए बिल्कुल छोटा सा घर है और इस घर के अंदर मैं वीडियो शूट करता था। तो दोस्तों मैं लास्ट में इतना आप लोग को कोशिश करूँगा कि मेरा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो में चैनल में आते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो भी आपका राय है इस वीडियो की कि आप लोगों को कितना मोटिवेट मिला है जरूर कमेंट करके बताना है। और दोस्तों मेरा लास्ट फाइनली जो रिक्वेस्ट है, मेरा ये ही रिक्वेस्ट आप लोगों के पास रहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।